बचने का प्रयास करें। गोपाल दास नीरज जी कहते हैं जब कोई आदमी असफल हो जाता है, घबराता है और मरने को उतारू हो जाता है, तब गोपाल दास नीरज जी की चार पंक्तियां याद कर लेना। उन्होंने कहा था कि सबसे पशु पाने वालों मोती घर घंटाने वाले रोने वाले आदमी मरने वाले आदमी के लिए कहा है कि सबसे पशु पाने वालों मोती घर घंटाने वाले को सपनों के बैदलने से जीवन नहीं मरा करता है। एक आध बार ऐसा हो जाओगे उसका उद्देश्य उसका लक्ष्य ये नहीं होगा कि मैं मर जाऊंगा। फिर वो कहते हैं कि जिंदगी में एक सत्य के टूटने से जिंदगी मरती नहीं है। अगली कड़ी में वो कहते हैं कि सपना क्या है, सपना नयन सेज पर सोया हुआ आम का पानी और उसका टूटना जो जाके कच्ची नींद जवानी। सिप सिप पशु बांधने वालों मोटी व्यर्थ लुटाने वालों को सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद खाने के बह जाने से सामान नहीं मरा करता है। चंद मुकड़ों की नाराजगी से दर्पण मरा नहीं करता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में असफलता है तो घबराए मत। कम समय में बाबा साहब से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि हम गायों के लिए दान दे सकते हैं, गांव गांव की सार्वजनिक चौपाल के लिए हम दान दे सकते हैं। आपको मना नहीं है, आप सांस दान दीजिए, लेकिन ये एक पवित्र प्रांगण ऐसा है जहां आपका दिया हुआ दान हजारों वर्ष तक आने वाली पीढ़ियों को पोषित करेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिस भी मंच पर हो, चाहे प्रोफेशन जगत में हो, चाहे नौकरी के जगत में हो, चाहे कृषि जगत में हो, आपका पैसा पवित्र है। अपने पैसे का कुछ हिस्सा विद्यालय परिवार को दीजिए। और विशेष करके मेरा आग्रह उन पूर्व विद्यार्थियों से रहेगा जिन्होंने इस पवित्र प्रांगण से शिक्षा अर्जित कर और वर्तमान उचित पीढ़ी को सुना है, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस विद्यालय में दें। विद्यालय की आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती। मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारा विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक टावल सुविधाओं से पूर्ण भरपूर है, लेकिन फिर भी आवश्यकताएं तो रहती है। कभी भी विद्यालय की आवश्यकता पूरी नहीं होती, इसलिए विद्यालय की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करना आपका जिम्मा है। अगली बात मैं स्थानीय स्टाफ साथियों से कहना चाहूंगा, जहां पर भी हमें मौका मिलता है, स्टाफ या यूं कहें कि अध्यापक का कर्तव्य एक उपकार से भी बड़ा होता है, क्योंकि तुम्हारे पास माँ बाप सबसे ज्यादा यदि किसी पर भरोसा करता है तो वो शिक्षक पे करता है। अपने बेटे को जन्म के 5 साल बाद हाथ पकड़ करके लाता है गुरुजनों के पास और सोचता है कि एक अच्छा इंसान बनाइए। जीवन में आत्मा में रात को सोच